जी भैया जी, अरे पंडित जी एक ना दिक्कत हो गया तो काफी। बताओ। पंडित जी मैं ना आपकी वीडियो देख के आया था खाना खाने के लिए, और जब तक मैं यहाँ पे पहुंचा ना इतना खाना खत्म हो गया सारा। मेरे साथ आओ, फिर आप क्या खाओगे पंडित जी? जो बचेगा मैं खा लूंगा। मतलब झूठा खा लोगे मेरा? झूठा वूटा कुछ नहीं होता भाई, भूख लगी हो ना। अच्छा, खाना ना मिले तो नाली में से उठा के खा लेगा आदमी। अरे हाँ, ये झूठा धर्म जाति भेदभाव सब ये भरे पेट पे होता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, खाली पेट का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। तो पंडित जी सच में खिला दोगे ना अपना खाना? अरे यार भरोसा करो, आओ ना बैठो खाओ। फिर आप क्या खाओगे? आप तो ऐसे रह जाओगे। करेगा भगवान व्यवस्था। और पंडित जी हमने देखा है कि आप मतलब ज्यादा खाने सबको खिला दो, ऐसे अपना आप खाते हो। और मैं क्या अलग से खाऊंगा? ऐसा नहीं है कि घर से कुछ अलग लेके आ। नहीं नहीं, वो सिस्टम नहीं है कि क्या कहते हैं दिखाओ कुछ और खाओ कुछ और। हमारा खुद हमारे यहाँ का ही खाना इतना अच्छा बनता है कि कोई भी खा ले। अच्छा जी। हाँ, अमीर गरीब कोई भी आए? कोई भी आए। अच्छा, वास्तव में तो गरीबों के लिए है भोजन। अच्छा जी, बाकी कोई भी आया, किसी के लिए मना नहीं है। मना नहीं है किसी के लिए भी, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। और हमने सुना पंडित जी मात्र 1 रुपए में लिमिटेड खाना खिला रहे हो। 1 रुपए में भरपेट भोजन है। अरे वो सच में है ना पंडित जी? रोज ऐसे तो नहीं कि वीडियो में बता रहे हो, रैंडमली आ जाओ ना किसी दिन। अच्छा रैंडमली आ जाओ। आज तक आप मुझे बता के आए थे? नहीं नहीं बिल्कुल। फिर भोजन मिला ना यहाँ? बिल्कुल। बस तो फिर तो पंडित जी अगर किसी को दान कर लो उसके लिए कुछ मिल जाएगा क्या? भैया मुझे कॉल कर सकते हैं 9891321712 पर। अच्छा, जितना मर्जी दान कर सकते हैं? जितनी इच्छा हो आप। जितनी इच्छा हो। 1 रुपया तो दे दो कम से कम। कम से कम 1 रुपया? कम से कम 1 रुपया तो दे दो। 1 रुपया तो हर कोई दे देगा। अरे ये सोच लेना कि एक थाली तुम्हारे नाम की कोई गरीब खा जाएगा यार, ऊपर वाला भला कर देगा। हाँ 1 रुपया बस, 1 रुपया दे दो, फिर बाकी आपकी इच्छा है जितना चाहे उतना दे दो। अरे हाँ पंडित जी आपको ना दिल से सल्यूट है। धन्यवाद भाई, दिल से सल्यूट। खुश रहो, भगवान को जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मात्र 1 रुपए में गरीबों का पेट भर रहे हो। और पंडित जी कितने साल से चलता आ रहा है काम? भैया 3 साल से ज्यादा हो गए। 3 साल से? 3 साल से। पंडित जी कैसे चल रहा है काम? ऊपर वाला चला रहा है। अच्छा जी, हमने सुना पंडित जी आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था रसोई चलाने के लिए। हाँ बहुत परेशान हुए थे हम। पहले मंदिर मतलब पहले रसोई जहाँ हमारा मेरा घर है उसके पास ही बैठती थी। अच्छा जी। फिर 6 महीने बाद लोगों ने इतना विरोध किया, इतनी तक व्यवस्था हो गई थी कि हमें उस घर से भी निकालने को तैयार हो गए थे लोग। अच्छा जी। मंदिर से भी निकालने को तैयार हो गए थे। अच्छा जी। मेरी जगह कोई और होता ना जो बेचारा किराए वगैरह पे रहता होता। अच्छा। उसे भगा देते लोग। बस दिक्कत ये थी कि एक अच्छा काम कर रहे हो। दिक्कत ये थी कि अच्छा काम हो रहा है, ये राशन क्यों आ रहा है पंडित जी के पास? लोगों को लगता था पैसा बहुत आ रहा है। अच्छा। आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बस ये दिक्कत थी। अच्छा, मतलब कि कोई अच्छा काम कर रहा है उससे भी दिक्कत है लोगों को? बहुत दिक्कत है। ये क्यों हो रहा है काम? आदमी ना अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। बिल्कुल 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 पंडित जी, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है संसार में, आप कोई समस्या नहीं। और मात्र 1 रुपए भाई अनलिमिटेड खाना आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 1 रुपए जी, आपको दिल से सल्यूट है। धन्यवाद, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। आप भी भोजन लीजिए, है ना जी? जी, देखिए रसोई में कैसा प्रसाद बनता है। जय श्री श्याम भैया, खुश रहो भैया।